हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी फाइल चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली वोकैब और ईडियम फ्रेज। इट विल हेल्प यू इन द अपकमिंग एग्ज़ाम। तो माय नेम इज़ कपिल सैनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेलिफिलियस, मेलिफिलियस का मतलब होता है डलकेट। डलकेट क्या होता है? सुरीला, एक तरह का सुरीला। तो डलकेट साउंड आर सॉफ्ट एंड प्लीजेंट टू लिसन टू, ये एग्जांपल दिए गए हैं नीचे। तो एग्जांपल ज़रूर पढ़िएगा वर्ड मीनिंग के साथ, तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे वर्ड्स, और ये भी पता चल जाएगा कि ये वर्ड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में। तो इट विल हेल्प इन द क्लोज टेस्ट एंड पैराग्राफ्स एंड मैनी मोर। तो डलकेट साउंड आर सॉफ्ट एंड प्लीजेंट टू लिसन टू, मतलब एक जो सुरीला साउंड है वो सॉफ्ट तो होता ही है और प्लीजेंट होता है सुनने में। डोज का मतलब होता है अवॉइड करना, मतलब दूर होना किसी से। तो द प्रोड्यूसर डोज क्वेश्चन अबाउट हिज रिलेशनशिप विद एक्ट्रेस, जो प्रोड्यूसर है वो डोज कर रहा है क्वेश्चनों, मतलब टाल रहा है क्वेश्चनों को किसके बारे में, जो रिलेशनशिप है उसकी एक्ट्रेस के साथ। मेरिट्रियस, मेरिट्रियस का मतलब होता है अट्रैक्टिव लेकिन फेक या नो रियल वैल्यू, तो मेरिट्रियस रिलेशनशिप्स होती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है जो क्लियर ना हो। तो सी हैज़ अ फ्यू नेबुलस आइडियाज़ अबाउट व्हाट सी माइट वांट टू डू इन फ्यूचर, तो उसके पास क्या है कुछ जो क्लियर आइडियाज़ नहीं है कि वो क्या करना चाहती है फ्यूचर में। यह है इडियम फ्रेज। तो स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ़ सुथरा। तो माई लिटिल हाउस इज स्पीक एंड स्पैन, जो मेरा घर है वो साफ़ सुथरा है। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो होता है एग्जैगरेट करना, मतलब ज़्यादा बोलना या जो है नहीं उसके बारे में बताना, एग्जैगरेट, डिंग या आगना बोल सकते हैं, सही है, या बोस्टिंग करते हैं ना, बोस्टिंग तो उसे भी एग्जैगरेट बोलते हैं। तो ही इज श्योर टू ड्रॉ द लॉन्ग बो ऑन द साइज ऑफ हिज कैच ऑफ फिश, तो वह श्योर है कि उसने बहुत बड़ी मछली पकड़ लिया, तो वो इस टाइप का क्या करेगा, वो एग्जैगरेट करेगा। तो नेक्स्ट टाइम मोनोटोनस, ये वर्ड्स हैं। मोनोटोनस का मतलब होता है डल या बोरिंग। तो जैसे आपको पता ही है कि लॉकडाउन के दौरान कैसे लाइफ मोनोटोनस हो गई है, या मोनोटोनस टाइम चल रहा है लोगों के लिए जो घर में बंद है, तो मोनोटोनस जॉब्स, मोनोटोनस टाइम, तो इस टाइप के वर्ड यूज करते हैं। तो एल्यूसिव का मतलब था डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब या फाइंड करना, अचीव करना, और यहाँ एल्यूसिव का मतलब अनरियल भी होता है। क्या होता है? अनरियल। तो ही आंसर्स, ही नहीं है या दा है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन रिमेन एज एल्यूसिव एज एवर, तो जो आंसर इन क्वेश्चनों के वो क्या है, डिफ़िकल्ट है बताने, सही है। तो कोलोसल, कोलोसल का मतलब ह्यूज भी होता है और एक लार्ज नंबर, ज़्यादा मात्रा में, तो कोलोसल अमाउंट आता है, जैसे कि एक कोलोसल अमाउंट ऑफ एसएमएस, मतलब बहुत सारे एसएमएस आए हैं। ओप्रोब्रियम, ओप्रोब्रियम का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी की आरोप लगाना। ओप्रोब्रियम मतलब इंटरनेशनल ओप्रोब्रियम हैज़ बीन हीप ऑन द कंट्री फॉलोइंग इट्स अटैक ऑन इट्स नाइबर, ऑन इट्स नाइबर स्टेट। तो जो कंट्री है उसके ऊपर मतलब बहुत सारे ब्लेम लगाए गए हैं इंटरनेशनल के द्वारा कि उसने अपनी कंट्री पे क्या किया, मतलब अपनी पड़ोसी देश पे क्या किया, अटैक किया है। तो यहाँ पर हीप का मतलब, हीप का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ढेर लगाना, जैसे हीप का मतलब सिंपल भाषा में ढेर लगाना होता, संग्रह करना होता किसी चीज़ का, ठीक है, संचय करना, इकट्ठा करना, तो हीप का मतलब ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं ओलागोग, ये एडियम्स हैं। ओलागोग का मतलब होता है सरप्राइज या अमेज, और यहाँ पर एसएससी ने अब की बार ओलागोग में अमेज पूछा था। ओलागोग का मतलब एक्साइटेड भी होता है। क्या होता है? एक्साइटेड, ओलागोग एक्साइटेड। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ही सेड देयर ओलागोग एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनी रीड हिज नेम एज द विनर ऑफ द फर्स्ट प्राइज, मतलब वो वहाँ बैठा और सरप्राइज हो गया जैसे ही मास्टर ने उसका नाम बोला कि ये जीत गया पहला प्राइज। नॉट टू मीन्स मैटर, नॉट टू मीन्स मैटर का मतलब होता है स्पीक डायरेक्टली या पोलाइटली बोलना।
एग्जाम्पल में क्या है, योर आंट रियली डज नॉट मीन्स मैटर व्हेन सी डिस्कस पॉलिटिक्स। तो तुम्हारी आंटी है वो क्या है, डायरेक्ट बोलती हैं किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, या डिस्कस करती हैं पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है सर, ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ मैं वर्ड्स और एडियम फ्रेज लेकर आया था। ऐसी और वीडियो मैं बनाता रहूँगा अगर जो आपका साथ मिलता रहा तो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो को लेकर अपने कमेंट्स भी देते रहना, इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।